बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम बनाने लगे हैं स्पेशल चिकन रोस्ट। इसका नाम है चिकन नथिया गली रोस्ट। पाकिस्तान के वाह शहर है जो नथिया गली में ये चिकन दस्तियाब है और किसी जगह पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे हमने ये टक लगा देने हैं, ऐसे। ये टक हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये अंदर इसके मसाला चला जाए, ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे चिकन। ऐसे साबुत मुर्गी ले रही हैं आपने, इस तरह के टक लगाए तो ये बड़ा ही क्रिस्पी और बड़ा मज़े का चिकन बन जाइए। तो आप इंशाल्लाह ताला एक मरतबा इसको अगर आजमाएंगे तो फिर बार बार ही घर में बनाएंगे। घर में अक्सर मेहमान वगैरह आते हैं तो मेहमानों के लिए ये चीज़ बनाएंगे, अनमोल है, क्योंकि ये बाज़ार में चीज़ ये अवेलेबल नहीं है। अगर ये मिलेगी आपको तो नथिया गली से मिलेगी आपको, और नथिया गली मरी से आपको पता ही है वो कितना सफ़र है। नथिया गली पाकिस्तान का बहुत वो शहर है जहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा है। जून जुलाई में तो आपको पता वहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडक होती है, जर्सियाँ पहननी पड़ती हैं। सर्दियों में तो फिर जो है बर्फ़बारी बहुत हैवी हो जाती है। ये देखा जाए, अब हमने इनको टक लगा लिया, अब हमने क्या करना है, ठीक है? अब हम इसमें लगाएंगे सॉल्ट। ये हमने इसको साल्ट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको विनीगर सिरका, अब हमने इसको सिरका लगा दिया। ये सिरका हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये नमक जो है ये इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये दोस्तों बड़ा स्पाइसी चिकन है, ठीक है? इसमें स्पाइस को मसाले वगैरह नहीं डालेंगे इसमें हम। ये सिंपल चीज़ आप घर में बना सकते हैं, ये देखें। इसमें हमने और क्या डालना, अब इसके बाद ये वाली मिर्च जो है इसको दड़ा मिर्च बोलते हैं, ये वाली। अब हम इसको ये हैवी मिर्च डालेंगे, अब खाएंगे तो आपको पसीना भी आएगा। सर्दियों में इसको ख़ास तौर पे ये बहुत मज़े की है। इसमें हम ज़्यादा मिर्च लगाएंगे, ये इसको सबसे पहले। अभी हम इसको मसाला लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हमने इसको, अब हमने ये मसाला देखे आपके सामने लग चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है? और हम आधे घंटे बाद इसको फिर फ्राई करेंगे। हमारा आयल भी गर्म हो चुका है और हमने इस चिकन में देखे बिल्कुल मसाला इसको मैंने तैयार हो चुका है। अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसके अंदर भी है ना, ये इस तरह हमने डाल दिया। अब ये फ्राई करना शुरू हो गया, माशाल्लाह अब ये चिकन हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया है। और हम इनको यहाँ से निकालते हैं, और ये जो हमने साइड पे मसाला रखा है ये वाला प्यार, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। हमने इसको ये देखिए आपके सामने अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। हमने इसको इसके अंदर रख दिया, ये जो मसाला है ये इस मसाले में, ताकि ये स्टीम हो जाए। और इसको भी हमने ऐसे ही किया है, तो इसको हम खा लेंगे थोड़ी देर बाद। ये अब हमने इसको, अब हमने इसको बंद कर दिया 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि ये स्टीम के अंदर पक जाए। हम इसको चेक करते हैं, हमने चूल्हा बंद किया और इससे स्टीम निकल, ये देख माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है। हम इसको देंगे इसको हम देखेंगे प्लेट के अंदर ऐसे, ये आ गया ये रोस्ट।
अब ये देखें ये पूरा हमारा चिकन कितना खूबसूरत बन गया है माशाल्लाह। अब हमने क्या यहाँ पे लाइम ये लाइम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक हो गया। और ये साफ इसकी केचप ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है, ये बिल्कुल स्पाइसी हो गई है। और हम यहाँ से इसको ये देखे कितना सॉफ्ट है, हम यहाँ से इसको ऐसे खाते हैं पेड़ मिलेगा।